हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ योर टीचर प्रदीप सर। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेसन वन। स्टूडेंट, बिफोर आई हैव टॉट यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर वन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए थाउजेंड ईयर्स। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस दिस लेसन about how the years and years back the things happen and it changes after many years, and what are the things the changes happen. So student, today in this lesson briefly, okay, in detail we will learn. So in my previous lesson I have shown you this map 1 and map 2. So within these two maps there are many differences. So when we study about the history, we have to be be serious, and we have to think properly. And because the things which had happened before is not the same, and the things which we think in present nowadays context, it might not be same in our history. So we have to keep in our mind about the historian, about the text, everything. In which context that have written or made or that we found while we study history. Okay student, so we have to study today new and old terminologies. Okay student, today we'll study new and old terminologies. New and old terminologies. Student, mu kon kouthili mane ame jetebele history ku padhu au amaku tar contest ku dekhiaku padibo, kahi ki time to time everything take changes, everything changes. The student, आमे जेतेबेले हिस्ट्री पढ़ु आमको आमर कंटेस्ट को देखा पड़ थाए कहीं माने स्पेशियली आमे जेतेबेले पुराना सोर्स गुड़ा को देखु, आमे हिस्ट्री स्टडी करने जेतेबेले आमे पुराना सोर्स को देखी थाउ, आउ वर्तमान रो आमर जो माने थिंकिंग वर्तमान रो जो कंटेस्ट हिसाब रे आउ सेटा माने एक्यूरेटली आम बुझी पार न था, आमको से टाइम रो से कंटेस्ट को बुझा को पड़ब। उदाहरण माने थिला कनाउज नहीं कि आउ मैप्रे एवर कनाउज आते क्यू लगुला एवं के लगुच बुझले। आउ बहुत गुड़ाए जिनस, एटा तो सिंपल एग्जांपल, बहुत गुड़ाए जिनस आम देखा। एवं आम ए टॉपिक रे देखा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज माने जो कि वर्ड गुड़ाक अच्छी वर्तमान रो आउ पुरुणा हिस्ट्रिकल मीन्स इन हिस्ट्री द टर्म व्हिच एग्जिस्ट, पुरुणा जो वर्ड गुड़ाक आम हिस्ट्री थिला एगुड़ाक स्पेशियली आम टर्म वर्ड शब्द उपरे आम विशेष करी ध्यान देवा। ओके सो लेट अस बिगिन न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। सो स्पेशली आवर स्टूडेंट्स दैट दे आर रीडिंग एट होम एंड सम आर फाइंडिंग डिफिकल्ट इन रीडिंग, स्पेशली आवर सम स्टूडेंट हु आर वेरी वीक इन वोकैबुलरी। सो स्टूडेंट, आई वांट टू गिव यू सम इम्पोर्टेंट हिंट्स दैट यू राइट डाउन
दिस टर्म द वर्ड्स द वोकाबुलरी हार्ड वोकाबुलरी एंड राइट इन ओडिया द मीनिंग देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके लेट्स बिगिन. सो फॉर दिस हेल्प आई वॉन्ट टू रीड दिस. ओके इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव एक्सचेंजेड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. मेडिवल पर्सियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन. द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. ओके स्टूडेंट ऑल्सो व्हाट वी आर फाइंडिंग आम कौन देखुचु मानने आउ जो आम इतिहास रे जो रेकर्ड गुड़ाक अच्छी विभिन्न भाषा रे आउ लेखा जाएची तो वर्तमान से गुड़ाक आम जदि बुझापा चेष्टा करिबा से लैंग्वेज को आम जो बुझाप चेष्टा करिबा आमको केतटा विषय को ध्यान देवा पड़ो. उदाहरण है आम जो मिडिवल पर्सियन रो एग्जांपल देखिबा आउ ओल्ड से मिडिवल पर्सियन जो लैंग्वेजटा जो अच्छी वर्तमान मॉडर्न पर्सियंस रे तार केवल ग्रामर आ वोकाबुलरी रो चेंजेस ना हैला पूरा वर्ड को वर्ड चेंज अच्छे. सो देर आर डिफरेंस डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. सपोज टेक द टर्म हिंदुस्तान. ओके स्टूडेंट आमे कौन करिबा हिंदुस्तान को आमे जदि देखिबा एठी हैला ए वर्डटा हिंदुस्तान. ओके स्टूडेंट सो टुडे वी अंडरस्टूड इट इज इट एज इंडिया. ओके द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ई सिराज ए क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. ओके सो इन व्हिच टाइम इन 13th सेंचुरी. ओके इन 13th सेंचुरी 13th सेंचुरी द मिनहाज ई सिराज. ओके मिनहाज ई सिराज ए क्रॉनिकलर. ओके हु रोट इन पर्शियन लैंग्वेज व्हाट ही रोट अबाउट द हिंदुस्तान ही मीन. ओके इन दैट टाइम हिंदुस्तान मीन्स पंजाब हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. ही यूज्ड द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्तान. ओके द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तनेट बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया. ओके स्टूडेंट तो स्टूडेंट आम एटी गोटे इंटरेस्टिंग थिंग टा देखा पाईपु जो मिनहाजी सिराज सिराज जेतेबेले से हिंदुस्तान बोली से टर्म द वर्ड यूज कर 13th सेंचुरी रे से जो पर्सियन रे से लिखी से एक पॉलिटिकल सेंस ऑफ द लैंड व्हिच इज डोमिनेटेड जोटा कि दिल्ली सुल्तान रो डोमिनेटेड बा तांकर एरिया अंडर रे आसे से गुड़ा को से लिखी थिला पंजाब हरियाणा आउ गंगा जमुना जो लैंड बिटवीन से नदीर जो बिटवीन ए सबको से हिंदुस्तान बोल के इनक्लूड कर. ओके किंतु से साउथ इंडिया को सेठी एड कर नथिला. देख लो केते गुड़े इम्पोर्टेंट जिन केते गुड़े बड़ विषय ना. सो आम जितेबाला ए प्रकार सोर्स पाऊ एग्जांपल मिनहाजी सिराज रो जो 13th सेंचुरी से हिस्ट्री जो देखिबा आम हिंदुस्तान को जदि आम पूरा साउथ इंडिया को मिस बुझा तबे ताहा भूल हो. सो स्टूडेंट इन दिस बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी द फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. एज विल सी लेटर इन चैप्टर दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खसौरा राव यूज्ड द वर्ड हिंद. वाइल द आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल
एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विथ टुडे। ओके स्टूडेंट, वी टुडे हिंदुस्तान मीन्स वी अंडरस्टूड टोटली द आवर कंट्री इंडिया, बट इन द टाइम ऑफ द पर्शियन राइटर क्रॉनिकलर मिनहाज ई सिराज, इट इज जस्ट पंजाब हरियाणा लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। ओके बट इन दिस द पॉइंट इन 14th सेंचुरी द अमीर खुसराव ही यूज द वर्ड हिंद। इट इज द आइडिया ऑफ ज्योग्राफिकल कल्चरली एंटिटी लाइक इंडिया। ओके बट दैट डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। वर्तमान जो आम हिंदुस्तान आम जो पॉलिटिकली आमर जो जातीत आमर जो देश आम जो भाबू वर्तमान एटा आगुरु माने एपरी बुझ नथिले से माने टू डिस्क्राइब जोग्राफिकाली और द फना एंड कल्चर द इनहेबिटेंट ऑफ सब कंटिनेंट। ओके और टू यूज दिस नॉट इन पॉलिटिकल सेंस। सो वी हैव टू थिंक दिस वर्ड हिंदुस्तान ओनली हैविंग डिफरेंट सेंसुअल मीनिंग इन द कंटेक्स्ट। ओके कंटेक्स्ट हिसाब रे हमको अलग अलग वर्ड से जो पुराना मीनिंग कौन थिला और नया मीनिंग द ओल्ड टर्मोलॉजी एंड न्यू टर्मोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इन हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। द स्टूडेंट आमको एटा बुझाक पड़ो जे जो इतिहास जो लेखा जाएगी आमको जो अतीतर जो पास्ट जो मीनिंग अच्छे आ बर्तमान सेम वर्ड द मीनिंगटा अलग होमको आउ केयरफुल रहा वी हैव टू बी केयरफुल। ओके एनदर एग्जांपल टेक फॉर एग्जांपल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। इट इज यूज टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन और समवन हु इज नॉट बिलोंग टू देयर ओन कंट्री। ओके आम फॉरेनर वर्डटा के यूज करता जे कि आम भारत बासी ही नथियो भारतीय ही नथियो ताको आम कौन कहू फॉरेनर कहू। बट इन द मिडिवल पीरियड ए फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन ए गिवन विलेज समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। इन हिंदी टर्म परदेशी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन इन पर्सियन अजनबी। हाँ देख ए जो फॉरेनरटा अच्छी आम कौन आम हिंदी रे यूज करूँ परदेशी अजनबी और ए सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड ए फॉरेस्ट ड्वेलर एज ए फॉरेनर बट टू पिजन लिविंग इन द सेम विलेज वी आर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवेन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस एंड कैस्ट बैकग्राउंड। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हियर। सो इन मिडिवल मिडिवल पीरियड दैट द टू पीपुल हु लिव टुगेदर दो दे हैव रिलीजियस कैस्ट बैकग्राउंड डिफरेंट दे आर नॉट फॉरेनर्स बट द स्ट्रेंजर हु अपियर्ड इन द विलेज और समवन नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर कल्चर सो ही इज मीन दैट फॉरेनर इन मिडिवल पीरियड। बट नाउ डे स्टूडेंट फॉरेनर वी मीन समबडी इज आउट ऑफ द कंट्री हु केम और द पर्सन हु बिलोंग टू अदर कंट्री। ओके सो दिस इज वन एग्जाम्पल अबाउट द टर्म्स। ओके सो वी हैव टू बी केयरफुल इन न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजीज बिकॉज इन मिडिवल पीरियड दैट सेम वर्ड हिंदुस्तान द फॉरेनर इट मीन डिफरेंस बट इन प्रेजेंट टाइम इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। बुझल स्टूडेंट जो सेम वर्ड जो हिंदुस्तान थिला बा फॉरेनर थिला
ଏଇଟା ମିଡ଼ିଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ମାନେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇଟା ଏବର ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଲଗା ମିନିଂ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ଟର୍ମୋଲୋଜିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତେବେ ଯାଇକି ଆମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଗୋ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଏମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସୋର୍ସେସ। ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ୟୁଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଦେୟର ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଦେୟର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୟୁ ରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରୁଲର୍ ଅଫ୍ ଗୁପ୍ତା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ୱି ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ 1000 ଇୟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ରଫ୍ଲି 700 ଟୁ 1750। ସୋ ୟୁ ୱିଲ୍ ନୋଟିସ୍ ସମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଇନ୍ ଦ ସୋର୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼। ଦେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଲେ ଅନ୍ କଏନ୍, ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍, ଟେକ୍ସଟୁଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଫର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍, ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ କନ୍ସିଡରେବୁଲ୍ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଦ ନମ୍ବର୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟୁଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼। ଦେ ସ୍ଲୋଲି ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍ ଅଦର୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ପେପର୍ ଗ୍ରେଜୁଆଲି ବିକମ୍ ଚିପର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍। ଓକେ, ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ଟୁ ଦ ଭେଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପେପର୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍। ସୋ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲୁ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଆଉ ଦ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆଉ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନର ଯେଉଁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରୁଲିଂ ପିରିୟଡ଼ ରାଫଲି 700 ଟୁ 1750, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଦ ସୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଓକେ, ଲାଇକ୍ କଏନ୍, ଇନ୍ସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍, ଟେକ୍ସଟୁଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ସମ୍ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଓକେ, ସମଥିଙ୍ଗ ସମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆର୍ ଦେର୍, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପେପର୍। ଓକେ, ପିରିଓଡ଼ିକାଲି ଦ ପେପର୍ସ ଦ ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଚିପର୍ ଆଣ୍ଡ ଚିପର୍। ସୋ ହିୟର୍ ସି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଭେଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ପେପର୍ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ 13th century ଏ ସ୍କଲାର୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଏ କପି ଏ ବୁକ୍, ବଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ପେପର୍। ସୋ ହି ୱାଚ୍ଡ ଦ ରାଇଟିଂ ଅଫ୍ ଏ ମେନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ, ଡ୍ରାଇଡ୍ ଦ ପେପର୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍। ୱାଓ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛା ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ 13th century ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାର୍ ଗୋଟେ ବୁକ୍ କପି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏନା ପେପର୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପେପର୍ ରହେନି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମେନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଉଥିଲା, ତାକୁ ସେ ୱାଶ୍ କରିଦେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ପେପର୍କୁ ଡ୍ରାଏ କରୁଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଡ୍ରାଏଡ଼୍ ପେପର୍କୁ ପୁଣି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା। କେବେ? ଇନ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ 13th century। ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ଏ ସେଞ୍ଚୁରି ଲେଟର୍। ଇଫ୍ ୟୁ ବଟ୍ ସମ୍ ଫୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍, ୟୁ କୁଡ୍ ବି ଲକି ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଦ ସବ୍ କିପର୍ ରାପ୍ ଇନ୍ ଫର୍ ୟୁ ଇନ୍ ସମ୍ ପେପର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ତା ସେଞ୍ଚୁରି ପରେ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଯିବା ବା ଦେଖ କେତେଟା ଦୋକାନରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ସମ୍ ଫୁଡ୍ ମାନେ ପେପର୍ରେ ରେପ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦୋକାନକୁ ଯିବା, କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପେପର୍ରେ ରାପ୍ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ପେପର୍ ମୋର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଇନ୍ 13th ଅର୍ ଦ 14th century? ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପେପର୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଇନ୍ 13th century ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ 14th century ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସୋ ୱାଇଡ଼ଲି ପିପୁଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ହଲି ଟେକ୍ସଟ, କ୍ରୋନିକଲ୍ସ, ରୁଲର୍ସ, ଲେଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟିଚିଂ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ, ପିଟିସନ୍, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍। ମେନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ୱର୍ କଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ୱେଲ୍ଦି ପିପୁଲ୍, ରୁଲର୍ସ, ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ୍ସ। ଦେ ୱେର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଚିପ୍ସ। ଦିଜ୍ ମେନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍। ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍, ସୋ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ କପିଡ଼୍ ମେନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ।
If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscript, they also introduced small changes. A word here, a sentence there. This small difference grew over centuries of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. On occasion, authors revise their chronicles in different times. The 14th century chronicle Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. Okay, student. So here what we have happened. People, they use paper when it is available, then they have kept in, they kept their writings, their letters, their records, their petitions, account, tax, everything they kept in written form in library and archives. Okay, student? And another thing that about copying the manuscript. It is just like when we means see and write from our friend's writing. So when we copy from our friend's writing, we do many mistakes, like words, like sentence here and there we put it. Same thing it used to happen in past while the scribes, okay, they used to copy the manuscript. Bujhilo student, jetebele jo scribes guru mane jo लेखुले मेनुस्क्रिप्ट को लिपि गुड़ाक आने जो कॉपी करूले बहुत गुड़ाए डिफरेंस होमती आम आम सांगसाथी मानू लेखु ये गोटे एग्जांपल देख लिखाई द पर्सियन एंड अरेबियन डिफिकल्टी ओके द लेफ्ट वन इज इन नास्तालिक स्टाइल इज कर्सिव एंड इजी टू रीड The sikhaste on the right is denser and more difficult. See, in right side it is denser and more difficult. That is, then this left side it is easy. The writing Arabic and Persian language. So, we have to understand about the historians and their sources. Okay. In present context and in the past there will be the differences au jo source uda ko available jo agaro vartaman ro au bahut uda hai au changes thai sethi pai amaku historian ko madhe dekhiya padibo au amaku source ko madhe dekhiya padibo so student today we have learn about new and old terminologies as well as our historian their sources. Then student, we will continue the rest of the means points in our next video. So I hope you understood and keep enjoying. Take care. Bye.